सो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए आदिना डियर पार्क में जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे डियर हैं और बहुत अच्छा अच्छा गार्डन है वहाँ पे, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये व्लॉग। और हम लोग पूरी बच्चे पार्टी है, जो जितने भी है सब लोग जा रहे हैं। सब लोग से मिलाऊंगा कौन कौन है हमारे साथ, आगे का क्या जर्नी है। हम लोग ने गाड़ी बुक किया है, लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर है। कैसी रहेगी जर्नी और क्या क्या देखने मिला, मेरा फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम जा रहे हैं। ये रूप है बड़े खाले का लड़का। अभी हम लोग आ गए रोड के पास, वो जो दुकान दिख रहा है ये इनका दुकान है, रेती सीमेंट और रॉड ये सब है। तो ये गाड़ी बुक किया है, ये हमारा बुनू है, ये सूफी। चलो खालो आसचे घूरते जाच्छे। देखिए सब रेती है और भी सामान है यहाँ पे, देखो ये सब सारा सामान मिलता है इनकी दुकान में। ये सबसे छोटा जो खाला है ना उसका लड़का है महबूब, और जो लड़की से मिलाया था छोटी ये उसकी बहन, इसका नाम क्या है, नुसरत। वे इस गाड़ी में ना ज़्यादातर कैपेसिटी है बैठने की। वे गाड़ी के अंदर का सीन है, जितना जल्दी करो बोले उतना लेट करते हैं लोग। देखो जर्नी की शुरुआत, बट हम लोग एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे एक सेलिब्रिटी हमारे साथ ज्वाइन करेगी, तो बताइए कौन है वो। वो है इनकी इनकी वाइफ। सबकी आंखें इंतजार में है उनके दर्शन के लिए, कब आए, जल्दी से आओ। ये उनकी मम्मी। गाड़ी में सब लोग बैठ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, टोटल हम लोग 8 लोग हैं। सुबह का वक्त 9:30 बज रहा है, हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा सा आगे आ गए। देखो यहाँ पे ना पटरी है, देखो दिख रहा पटरी, हम लोग ने पटरी क्रॉस किया। यहाँ पे स्टेशन भी आ गया, कौन सा स्टेशन है वो, मालोंचा। बहुत मजा आ रहा है, खाली एक ही दिक्कत है बहुत गर्मी बहुत है, मतलब ऐसे मौसम में आए हैं तो गर्मी तो झेलना ही पड़ेगा। आप इंजॉय करो हमारी जर्नी को। अभी हम लोग गंगरामपुर पार किए, बुनियादपुर पार किए, उसके बाद सुफियानों का हो गया उल्टी, बहुत सारा उल्टी हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लिया हम लोग ने, मुँह हाथ धोया, बिस्कुट सुफी को लॉलीपॉप दिया और सुफी सो गई। सुफी सो गई, सुफी हंस रही है। मोहितुल भाई का घर जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मुंबई से आके रुके थे ना, ये रास्ते से हम लोग अंदर जाएंगे। किधर जा रहे, जर्नी स्टार्ट हो गई, 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में हालत देखो पीछे वाले की। सब ठीक है, सब हाय बाय, हेलो हेलो हेलो, सब ठीक ठाक। सूफी की हालत खराब हो गई थी, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया, मैं बारिश दिखाता हूँ, हल्के हल्के बारिश हो रही है, कांच में दिख रहा है बट ऐसा नॉर्मली दिख नहीं रहा है। जस्ट अच्छी बात कर रहे थे हम लोग और इसका विकेट गिर गया, ये आउट हो गया। और कोई है लाइन में तीसरा विकेट, ये इसकी तैयारी चल रही है, ज्यादा खाएगा तो इसकी विकेट भी गिर जाएगा। जब तक मैं आगे था मैं चिपका, अभी मैं आ गया पीछे, अभी पता नहीं तीसरी विकेट मेरी हो सकती है, देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। আপনি যদি এখানে ইন করেন তো আমাকে সরকার আউট করে দেবে, সিসি ক্যামেরা আছে। ওয়াও, ডায়লগটা ভালোই ছিল কিন্তু ইন করলে আউট হয়ে যাবে। क्या टाटा बाय बाय फिनिश। तो क्या हाल है यहाँ का, गेट बंद है, पसीने से नहा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। ये पिकनिक का हेड है, यही सब डिसाइड किया था, चूना लगा, चूना लगा दिया गवर्नमेंट ने। देखो एक्चुअल में ना ये गेट ये है। कहाँ जा रहे सुपी, हिरन देखने, हिरन दिखेगा, पार्क बंद है। देखो ये पार्क के अंदर वाला सीन है, सब बंद है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे,
गार्डन टाइप है, गार्डन नहीं बोलेंगे, पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे खुद खाना बीना ला के बना के खा सकते हो। अभी कोथाई जाबे? अभी गाजोल में खाना खाएंगे। हाँ, खाना बीना खा के फिर गंगरामपुर का जो गार्डन है, हाँ, छोटा सा पार्क है। तो हम लोगों ने पहले बात कर लिया है, अभी कैमरे में बात कर रहे हैं, तो ये सबका मूड ऑफ हो गया। एक एक खुफिया जगह है, जैसा बजरंगी भाईजान में घुसे थे ना तारों के नीचे से, आगे वहाँ पे जगह है, लेकिन अगर उधर से घुसेंगे ना तो हम लोग लॉकअप के अंदर घुस जाएंगे। तो दिक्कत ये है कि हम यहाँ के लोकल है नहीं, हमें पता नहीं है कहाँ से घुसना कहाँ से निकलना है, तो रिस्क नहीं लेंगे, अभी सीधा निकलेंगे यहाँ से। ये जो देख रहे हो ना, ये पसीना नहीं, ये पानी है, हाथ से भी टपक रहा है। पकड़ पकड़ गिर ना जाए यहाँ पे। अरे ये नहीं पसीना, हम लोग क्या है थोड़ा सा बम्बई वाले लोग हैं, गर्मी हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, तो कोलकाता आने के बाद पूरी गर्मी बाहर आ रही है। मेरा नहीं है, यहाँ वाले का भी वही हाल है। अरे क्या फेंका क्या फेंका There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen again. Never to be seen again. देखो एक और एक जगह पे हम लोग आए हैं, ये राजा का पुराना घर बोलते हैं। कौन सा राजा? राजा, राजा का नाम पता नहीं, राजा का नाम ही पता नहीं, पता नहीं, नहीं है तो। ये महल टाइप है, ये उसका वॉल है। तो अभी वही है जो पुराना प्लान था, गंगरामपुर जाएंगे, वहाँ के गार्डन वार्डन में घूमेंगे, कुछ खा लेंगे होटल वोटल में, उसके बाद देखते हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे, बोलते ना सर के जस्ट ऊपर है ना, जस्ट ऊपर सूरज है, तड़कता बड़कता है ना, गर्मी चल रही है, उसके दौरान हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये हमारी गाड़ी और हम लोग कुछ खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, और ये है वो ढाबा। तो यहाँ पे ढाबा भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग ने सोचा ढाबा पे खा लेते हैं। ये देखो ये ढाबा है, गाजोल मालदा के बीच में पड़ता है ये। यहाँ पर पूरा टेबल, यहाँ पे एसी रूम भी है। एसी रूम में हम लोग खाना खाने बैठे हैं, तो अभी सब लोग जा रहे हैं वॉशरूम। तो हमारी कोशिश इतनी रहेगी है ना मैं, हमारी कोशिश इतनी रहेगी जितना हवा खा लेंगे और जो हवा बच गया वो जेब में डाल लेंगे, तो रस्ते में काम आएगा ठंडा हवा। बहुत गर्मी है भाई, मैं तो दोबारा नहीं आऊँगा, आऊँगा तो ठंडी के समय आऊँगा। अभी बकरा ईद नहीं देखेंगे, अभी मौसम देख के हम लोग आएंगे गाँव में, अगर मौसम अच्छा है तो आएंगे। ये हम लोग का लंच है, कैसा? सोयाबीन, ये मच्छी ऑर्डर किया मैंने, ये सलाद का प्लेट है हमारा, एक्स्ट्रा सलाद। यहाँ पे सुफियाना, यहाँ पे ये फटाफट खाएगी ना सुना, यहाँ पे रूप। तो ये प्लेट का नाम क्या है? निरामिष। निरामिष और वेज 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 राइस। वेज प्लेट, वेज प्लेट, वेज थाली खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:15, हम लोग 12 बजे यहाँ इंटर हुए थे, 1:15 घंटा हम लोग को खाने में लगा, जानबूझ के हम लोग लेट किए क्योंकि इतनी गर्मी है और हम लोग एसी में बैठे हुए थे, तो एसी का फुल मज़ा ले लिए। टोटल बिल 890 रुपये आया है, और एक्स्ट्रा जो है ठंडा वंडा अलग से लिए हम लोग ने, मतलब टोटल 1000 रुपये पकड़ लो, हमारा 1000 रुपये लंच का हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे गंगरामपुर, जहाँ पे क्या है, कालडीगी पार्क बोलते हैं वो जगह पे जाएंगे। और बादल है ना, मतलब ठीक ठाक है, अभी धूप थोड़ा कम है, मतलब जैसे धूप बोला वैसे धूप आशी कीजिए, जैसे धूप बोल रहा हो वैसे धूप आ रहा है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, डायरेक्ट कालडीगी मिलते हैं, तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी क्योंकि खाना दबा के खाए हैं। यहाँ सूपी है, सूपी का भी हालत डाउन है, देखो कैमरे में देखो, उनको भी उल्टी उल्टी हो रहा है। चलो जाएंगे अभी। हाँ